विविधता। जब से मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथों में ली है, तभी से भारत एक अलग मोड में चल रहा है और मोदी की दूरदर्शिता की वजह से भारत का हर सेक्टर विकास की बुलंदियों को छू रहा है। और इसी कड़ी में भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हथियारों में इस तरह से इजाफा किया है कि दुश्मन आंख उठाकर भी देखने से पहले 10 बार सोचेगा। दुश्मन को नाको चने चबवाने के लिए भारत ने एक से बढ़कर एक हथियार खरीदे हैं और खरीद भी रहे हैं और साथ में बना भी रहे हैं। और हाँ, जब ये हथियार मैदान में हो तो दुश्मन की ऐसी की तैसी हो जाए। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत कुछ ऐसी मिसाइलें बनाई हैं जिसके चलते दुश्मन की जिंदगी नरक बन जाए, और लड़ाकू विमान भी ऐसे बनाए हैं कि जो दुश्मन को चकमा देकर मौत के मुंह में सीधा ढकेल दें। तो आज हम मेक इन इंडिया के तहत बने उन हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर दुश्मन की जान निकल जाएगी। धनुष तोप, मेक इन इंडिया के तहत बना है धनुष तोप। इसकी लागत आई है 14 करोड़ रुपए। इस तोप की खासियत यह है कि इस तोप को विश्व रैंकिंग हासिल है। इस तोप को बोफोर्स तोप के आधार पर विकसित किया गया है और इसकी क्षमता को अधिक बढ़ाया गया है। ये तोप 15 सेकंड में 3 राउंड फायरिंग कर सकती है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, मेक इन इंडिया के तहत बना है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। इसकी लागत आई है 5 लाख रुपए और इस खतरनाक लॉन्चर को डीआरडीओ ने बनाया है। इसके पहले विकसित किए गए पिनाका की मारक क्षमता 45 किलोमीटर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 65 किलोमीटर कर दिया गया है। इसकी क्षमता यह है कि सेना 44 सेकंड में ताबड़तोड़ 12 रॉकेट दाग सकती है। ध्रुव हेलीकॉप्टर, मेक इन इंडिया के तहत ध्रुव हेलीकॉप्टर को विकसित किया गया है और ये एक अल्ट्रा मॉडर्न हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है। मौजूदा समय में ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तीनों सेनाएं कर रही हैं। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसे कई देशों में निर्यात भी कर चुका है। 20,000 फीट की ऊंचाई के साथ ही साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर एक बार में 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस एक हेलीकॉप्टर की कीमत 40 करोड़ रुपए है। आकाश मिसाइल, मेक इन इंडिया के तहत विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है और इसकी ताकत को देखकर दुश्मन कांपने लगेगा। मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाने में लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मिसाइल सिस्टम से सेना की ताकत बढ़ी है। आकाश मिसाइल किसी भी एयरक्राफ्ट से 30 किलोमीटर दूर से निशाना साध सकता है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि आवाज से भी तेज निशाना साध सकती है। अर्जुन टैंक, मेक इन इंडिया के तहत बने अर्जुन टैंक दुनिया के कई देशों के बने टैंकों को टक्कर देने वाले टैंक हैं। इसी वजह से भारत का अर्जुन टैंक अपनी एक अलग पहचान रखता है। मौजूदा समय में सेना इसको बनाती है और प्रयोग भी करती है। अर्जुन टैंक में 120 एमएम की राइफल लगी है। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट 55 करोड़ रुपए है। अग्नि 5 मिसाइल, मेक इन इंडिया के तहत सबसे ज्यादा पैसे खर्च करके बनी है अग्नि 5 मिसाइल। इस मिसाइल की लागत है 2,500 करोड़ रुपए और ये भारत की सबसे आधुनिक मिसाइल है। ये मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और इस मिसाइल को जीपीएस सिस्टम से गाइड किया जा सकता है और यही कारण है कि ये काफी खतरनाक हो जाती है। तेजस लड़ाकू विमान, मेक इन इंडिया के तहत 160 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। इस लड़ाकू विमान को आधुनिक फाइटर माना जाता है। इसे डेवलप करके चौथी पीढ़ी का बनाया गया है। ये लड़ाकू विमान जल्द ही मिग का स्थान लेगा। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह है कि ये हवा से हवा में और जमीन पर मिसाइल दागने में सक्षम है। ये लड़ाकू विमान बेहद आधुनिक रडार सिस्टम से लैस है। तेजस दुश्मन को चकमा देने में भी माहिर है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश की रक्षा ताकत को बढ़ाया है और इससे भारत की ताकत और मेक इन इंडिया का लोहा अब दुनिया भी मानने लगी है और दुश्मन कांपने लगे हैं।